बारिश तभी होती है, बारिश तभी होती है जब यहाँ तो भगवान बहुत खुश हो, भगवान बहुत खुश हो, यहाँ फिर बहुत रोते हैं, यहाँ फिर बहुत रोते हैं। आज तेरे कॉन्ट्रैक्ट का दिन है अनुराग, डर लग रहा है मिलेगा कि नहीं? डर लग रहा है कि जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई खत्म ना हो जाए। तेरी लड़ाई मुझसे है? नहीं, अपने आप से। जब इंसान हारता है उसे बहुत दुख होता है, उससे ज्यादा दुख उसे तब होता है जब जीतने के बाद जीत की खुशी बांटने के लिए कोई आसपास ना हो। तेरे पास कोई है नहीं खुशी बांटने के लिए? मेरे पास खुशी नहीं है। ये कॉन्ट्रैक्ट तुझे ही मिलेगा अनुराग, क्योंकि जितनी मेहनत तूने की है ना, किसी और ने नहीं की। लेकिन उस जीत और उस लड़ाई का क्या फायदा अनुराग, जो किसी के साथ पार्टी ना जा सके। मैंने कभी कोई एडवाइस मांगी है तुझसे? तूने कोई इतना अच्छा काम भी नहीं किया कि तुझसे एडवाइस मांगू। हम दोनों के बीच में क्या है हम दोनों जानते हैं अनुराग। तुझे ये गलतफहमी के तानी मुझसे प्यार करती है और उसे के तू उससे प्यार नहीं करता। लेकिन आज तेरी आंखों की जलन देखने के बाद मुझे यकीन हो गया कि तू उससे बहुत प्यार करता है। तू अपने प्यार में इतना मजबूत हो गया है कि दुनिया से लड़ गया, लेकिन इतना कमजोर कि अपने प्यार को ही नहीं पहचान पाया। आता नहीं, कहाँ है तू? जरूर कहीं खड़ी होकर बारिश देख रही होगी। अच्छा सुन, आज कोलकाता रिटेल एसोसिएशन का फंक्शन है और वहाँ पे अनुराग के कॉन्ट्रैक्ट का डिक्लेरेशन होगा। तू आना चाहेगी ना? क्योंकि आज अनुराग को खुश देखकर सबसे ज्यादा खुशी तुझे ही होगी। आज उनकी सबसे बड़ी लड़ाई खत्म हो जाएगी और फिर मैं यहाँ से चली जाऊंगी। कहाँ चली जाएगी तू? अनुराग को छोड़कर कहाँ जाएगी? हर इंसान को अपनी खुशी में सबसे ज्यादा अपनों की जरूरत होती है। उन्होंने मुझे कभी अपना नहीं माना, पर मैं उसकी खुशियां उसे वापस ला कर दूंगी और तब जाके मेरी जिम्मेदारी खत्म होगी। अनुराग के गुस्से को समझ, गलती तुम दोनों की है, तुम दोनों एक दूसरे को नहीं समझ पाए। सुबोध, मैं और कुछ समझूं या ना समझूं, पर इतना जरूर समझ गई हूँ कि मेरी खुशी अनु की खुशी में है और अनु की खुशी सिर्फ दो चीजों में है, एक ही कॉन्ट्रैक्ट और दूसरा उसका प्यार। और मैं उसको उसकी खुशी वापस ला कर दूंगी। अनु, मेरा दिल भी तेरे साथ होगा और दुआ भी। ऐसा चमत्कार करो कि ये कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ अनु को मिले। शेखर काका, इसका मतलब वो भी इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए कॉम्पीट कर रहे हैं? मतलब अनु और काका आमने सामने? लेकिन एक तरह से अच्छा ही है, अगर उन्होंने काका को हरा दिया तो उन्हें भी पता चल जाएगा कि उन्हें कितना काबिल है। और ये भी हो सकता है कि उन दोनों के बीच की दूरियां भी मिट जाए। बाबा आप चलिए, मैं आता हूँ सर। सुनो, सब कपड़ों के सैंपल्स कहाँ रखे हैं? जरा एक बार देखना चाहूंगा। आइए मेरे साथ।
वाकई अनुराग, बहुत खूबसूरत सैंपल्स बनाए तुमने। अफसोस की बात यह है कि कॉन्ट्रैक्ट तुम्हें नहीं मिलेगा, क्योंकि इन सैंपल्स को मैं वहां तक पहुंचने ही नहीं दूंगा सही सलामत जहां तक इन्हें पहुंचना चाहिए। जानते हो कि मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगी। अच्छी तरह से जानती हो तुम मेरे मुंह लगने का अंजाम क्या है। मैं तुम्हें अनु के सैंपल्स खराब करने नहीं दूंगी। बाहर जाकर सबको बता दूंगी कि अंदर क्या करना चाहते हो। एक बार पहले भी तुमने कोशिश की थी लेकिन तुम्हारी बात किसी ने भी नहीं मानी थी। जानती हूँ कि मेरी बात पर भरोसा कोई नहीं करेगा, शायद अनु भी नहीं करेगा, पर जब तक मैं ये प्रूव नहीं कर देती कि तुमने ये किया है, मैं चुप नहीं बैठने वाली हूँ। आज तुम अगर मुझे रोक सकती हो तो रोक कर दिखाओ। जाओ। देखो तुम ये क्या करें। तो मैं अपनी कलाई काट लूंगी और मेरे खून की एक एक बूंद तुम्हारे कपड़ों पर गिरेगी और ओनो की तरह तुम्हारे कपड़े भी प्रेजेंटेशन के लायक नहीं रहेंगे। तुम जानती हो तारी कि तुम ये नहीं कर सकते हो। तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं उनसे इतना प्यार करती हूँ कि इसके लिए ये भी कर सकती हूँ। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मत समझना कि तुम लोग जीत गए। पागल लड़की, जान देने जा रही है अपनी। जल्दी जल्दी मैं मंदिर नहीं आ पाया, लेकिन मैं जानता हूं कि आप हमेशा मेरे साथ हैं। यहां जो लोग आए उनके पास नाम है, रुतबा है, पैसा है, मेरे पास जो था वो भी नहीं। माँ एक इशारा कीजिए। माँ एक इशारा कीजिए कि आप मेरे साथ हैं। We'll be right back.
नमस्कार सम्मानित बंधुगण, जैसा कि आप जानते हैं कोलकाता रिटेलर एसोसिएशन जो हर साल गारमेंट इंडस्ट्री में आने वाले नए टैलेंट को पहचान कर उसे अपनी काबिलियत साबित करने की हर अपॉर्चुनिटी देते हैं। ये हमारा विश्वास है कि जितने नए लोग हमारे बिजनेस में शामिल होंगे उतना ही हमारा बिजनेस और बढ़ेगा। इसलिए हम हर साल ऐसी 4 कंपनियों को चुनते हैं जिसमें से 3 कंपनियां बड़ी होती हैं और 1 वो छोटी कंपनी जिसका अभी अभी रजिस्ट्रेशन हुआ हो। तो आज वो जो 4 लोग इस प्रेस्टीजियस कॉन्ट्रैक्ट की रेस में हैं, उनमें से सबसे पहले हैं मिस्टर अग्रवाल, जिनका डायमंड का बहुत बड़ा बिजनेस है, और दूसरे हैं मिस्टर वरुण गोगोई, और तीसरे हैं हमारे अपने शेखर बाबू। इन्हीं के साथ एक छोटी सी कंपनी और है जिसको हमने इस फाइनल राउंड में लिया है, और ये है शेखर बाबू के बेटे अनुराग गांगुली की कंपनी। ज्यादा वक्त ना लेते हुए उस कंपनी का नाम अनाउंस करने जा रहा हूं जिसने यह कॉन्ट्रैक्ट जीता है। वो है शेखर बाबू। यदि आज मैं ये कह दूं कि ये कॉन्ट्रैक्ट आपकी कंपनी को मिला है तो कुछ गलत नहीं, लेकिन उसमें आपको थोड़ी खुशी कम होगी क्योंकि हर बाप अपने बेटे से हारना चाहता है। और आज आप हार गए हैं, आपका बेटा जीत गया है, या आप यूं भी कह सकते हैं कि आपका बेटा आपको हरा दिया है। और ये कॉन्ट्रैक्ट आपके बेटे अनुराग गांगुली को मिला है। मिस्टर अनुराग गांगुली, प्लीज कम हियर। शेखर बाबू, आप यदि मेरे पुराने दोस्त ना होते तो मैं ये कभी ना कहता। हमें पता है आप अपने बेटे से कितना प्यार करते हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये कॉन्ट्रैक्ट आप अपने हाथों से उन्हें दें। आइए शेखर बाबू। बाबा, चटर्जी दा ने जो कुछ भी कहा बिल्कुल सही कहा। आज का दिन मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है, और यकीन मान अनुराग, आज मैं बहुत खुश हूं। बस एक ही दुख है कि अब तो कभी घर वापस नहीं आएगा। बाबा, कौन रोकेगा मुझे अपने बाबा के घर आने से?
मैंने आपसे वादा किया था बाबा, जिस दिन आपका बेटा कहलाने के लायक बन जाऊंगा घर वापस आ जाऊंगा। मैं घर आ रहा हूं। बाबा ये आपका है? नहीं बेटा, ये तेरा है और ये प्रोजेक्ट तुझे ही पूरा करना है। मैं नहीं जानता था हारने में भी इतना सुख मिलता है। अपने बेटे से हारने के बाद मैं दुनिया का सबसे खुशनसीब बाप बन गया हूं। बस यही चाहता हूं कि अब तू घर वापस आ जा, और कुछ नहीं चाहिए मुझे, और ना मत करना। आऊंगा बाबा, सिर्फ एक काम करना बाकी रह गया, उसके बाद आता हूं। ठीक। ये ले तेरे पैसे। आज तेरा सारा कर्जा खत्म। जिसने तुझे कर्जा दिया उसका कर्जा ऐसे उतारेगा। तुझे और पैसे चाहिए? कितने पैसे चाहिए बता, मुंह खोल। दे दूंगा। पैसे नहीं, जो कहता हूं वो लौटा दे। उसके वो हजारों पल लौटा दे जो उसने तेरे लिए दुआ मांगते हुए बिताए। उसका वो भरोसा लौटा दे जो उसने तेरी कामयाबी पर दिखाया है। अरे जिस भरोसे से उसने अपना घर गिरवी रख। सुबोध, मुझे पैसे किसने दिए? सुबोध, मैंने पैसे तुझसे लिए लोन? मैंने तुझे कोई लोन वो नहीं दिलाया अनुराग। मुझे तो तुझ पर कभी विश्वास ही नहीं था कि तू अपने पैरों पर कभी खड़ा भी हो सकता है। मेरी नजर में तू सिर्फ एक रईस बाप की बिगड़ी हुई औलाद था। बाप से लड़कर आसमान से जमीन पर आ गया, पर तेरी अकड़ फिर भी नहीं गई। मैं तुझसे क्या उम्मीद रखता अनुराग, और वैसे भी मैं तुझसे बचपन से नफरत करता हूँ। तेरी वजह से मैं अपाहिज बन गया और तूने मेरी तानी को मुझसे छीन लिया। तानी? मैंने तुझसे तानी छीन या तूने मुझसे मेरी तानी छीनी? दुनिया तुझे समझदार समझती रही लेकिन तू बेवकूफ का बेवकूफ ही रहा। तुझे तेरे पैसे दे रहा हूँ, चुपचाप ले ले। नहीं लूंगा तो क्या कर लेगा अनुराग? तू से टांग तोड़ देगा मेरी, तोड़ना। नीम की जात का आदमी है, एकदम कड़वा। तू आज भी दिल से खुश नहीं हो पाया है। और मुझे इस बात का जरा भी दुख नहीं है कि तू दिल से खुश नहीं है। मुझे गुस्सा इस बात का कि जिस इंसान ने तुझे यहाँ तक पहुँचाया, तुझे तेरे पैरों पर खड़ा करवाया, उस इंसान को तूने कड़वाहट के अलावा कुछ नहीं दिया अनुराग। और वो इंसान तेरी जिंदगी में बस मिठास बांटता रहा, तेरी जिंदगी में प्यार बांटता रहा है वो। सुबोध, मुझे पैसे किसने दिए? तू जा यहाँ से अनुराग, तेरा कर्जा पूरा हुआ, तू जा। और हाँ, एक बात और सुनता जा, अगर तू पैसे नहीं भी देता ना तो फिर भी वो तेरे पे कोई कर्जा नहीं रखती। साफ साफ बता सुबोध, मुझे पैसे किसने दिए? तुझे साफ साफ कहाँ दिखाई देता अनुराग, तुझे बस वो दिखाई देता है जो तू देखना चाहता है। अरे तुझे कहाँ किसी का प्यार दिखाई देगा? सुबोध, मुझे सच सच बता, मुझे पैसे किसने दिए? तुझे तानी की कसम। दीदी ने तूने उसकी कसम, उस लड़की की जिसे मैं इतना प्यार करता हूं और देख सकता हूं कि वो मेरी कभी बन ही नहीं पाई, क्योंकि वो सिर्फ तेरे लिए बनी अनुराग, सिर्फ तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए। और हाँ, जो पैसे उसी तानी ने दिए, प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।